हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल प्रेप ऑनलाइन। टू वेपन्स टू अचीव हाई रैंक इन नीट 2021। ऐसे दो हथियार जो आपको नीट 2021 के अंदर बहुत अच्छी रैंक दिलाने के लिए कारगर साबित होने वाले हैं। नीट 2020 के अंदर जिन स्टूडेंट के पास में ये हथियार थे उनकी बहुत अच्छी रैंक आई है। स्टूडेंट्स, हमने नीट 2020 का पेपर एनालिसिस किया, स्टूडेंट से बातें करी और फाइनली वो दो वेपन जो है उनको आइडेंटिफाई करके निकाला बाहर। तो जैसा आपको पता है, नीट 2020 का पेपर सिंपल और लेंदी था ना, और उसी में कुछ प्लस माइनस एनालिसिस करके दो वेपन जो आइडेंटिफाई किए, वो वेपन क्या है, वो है फर्स्ट वेपन नंबर वन स्पीड, सेकंड वेपन वो है एक्यूरेसी। ये दो सबसे बड़े, आप कहोगे कि सर ये तो क्या है सर, सुना हुआ है, बहुत बार सुना हुआ है। एक्चुअली ये दो जो वेपन है, स्पीड और एक्यूरेसी, ये डेराइव होते हैं कई सारी चीजों से। तो कैसे होते हैं ये, अगर इसका प्रोसेस समझोगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि सर हाँ ये तो बहुत ज्यादा नीड है। अगर ऐसा हम डेवलप करते हैं तो यार लिटरली हमको भी लगता है कि हम हमारा रैंक बूस्ट कर पाएंगे, जैसा कि पास्ट स्टूडेंट ने किया था। वो स्टूडेंट बहुत एवरेज थे स्टार्टिंग के अंदर, लेकिन जब बाद में उन्होंने ये चीज हैबिट में लाई और इन्होंने जब मॉक टेस्ट में जब ये प्रैक्टिस में लेकर के आए, तो ऑटोमेटिकली ये दो वेपन डेराइव हो गए और उनकी रैंक बूस्ट हो गई। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि ये दो वेपन कैसे डेराइव करने हैं आपको। ओके, तो चलिए सबसे पहले आपको बता देते हैं कि कोई भी जो पेपर है, कोई भी क्वेश्चंस जो होते हैं, उसको अप्रोच जब आप करते हो तो सबसे फर्स्ट थिंग क्या करते हो, तो वो फर्स्ट थिंग जो होती है वहीं पर ये वेपन डेराइव होना चालू हो जाता है। सबसे पहले स्पीड ऑफ एनालाइजिंग क्वेश्चंस। अगर आपको स्पीड और एक्यूरेसी डेवलप करनी है तो एक स्पीड डेवलप करनी पड़ेगी, वह है क्वेश्चन को एनालाइज करने की। अब क्वेश्चन एनालिसिस से मतलब क्या है सर, ये कैसे डेवलप होती है? तो जैसे कि मान लो आपके पास में नीट 2021 का पेपर दे रहे हो, एग्जाम हॉल में बैठे हुए हो और आप फिजिक्स का फर्स्ट क्वेश्चन अप्रोच कर रहे हो, तो यहां पर मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं तो आप रिलेट कर पाओगे कि आपने जैसे क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट किया तो एक तो क्वेश्चन पढ़ने की स्पीड बहुत तेज होनी चाहिए और साथ ही साथ में अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए, आपका ब्रेन वर्क करता रहना चाहिए, एक्टिव ब्रेन उस रीडिंग को सपोर्ट करता हुआ होना चाहिए। एक तो होता है ना कि आपने कुछ लिखा और पढ़ा हुआ, हाँ पढ़ लिया यार कुछ समझ में, और एक आपका ब्रेन वर्क कर रहा है तो आप पढ़ भी रहे हो और आप साथ में उसको अंडरस्टैंड भी कर रहे हो। तो रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग बैकग्राउंड में होनी चाहिए, फास्ट रीडिंग होनी चाहिए, जिससे कि क्वेश्चन का एनालिसिस करने की जो स्पीड है वो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। ठीक है सर, क्वेश्चन पढ़ा हमने बहुत फास्ट पढ़ा और फटाफट से दिमाग में आ भी गया कि ये कहां से है, कौन से जोन से है, कैसे है, क्या कहना चाह रहा है, हो गया। अब साथ साथ में सेकंड चीज जो है वो भी बड़ी स्पीड से काम करनी चाहिए आपके, और वो है लिंकिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स। जब आपने क्वेश्चन को एनालाइज किया, फास्ट रीड किया, अंडरस्टैंड किया, तो उसके जो बिहाइंड जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो कौन कौन से लिंक हो रहे हैं, ये जल्दी दिमाग में आना, उसको फास्ट आपके दिमाग में आना बहुत जरूरी होता है। जैसे अगर आपके मान लो आपने फिजिक्स का क्वेश्चन किया, जैसे रोटेशनल का क्वेश्चन था, तो स्पीड ऑफ एनालिसिस से आपको समझ में आ गया कि ये कहना क्या चाह रहा है, क्वेश्चन रोटेशनल का है, तो अब लिंकिंग कॉन्सेप्ट के अंदर कहीं और कॉन्सेप्ट तो लिंक नहीं है, फटाफट से हाथ में पेन होता है, तो इसी जगह पर आप क्या करते हो कि गिवन क्या चीज है ना, निकालना क्या है वैल्यू, उसके अलावा यहां पर कोई दूसरा एक्स फैक्टर तो नहीं है, यानी कि कोई अदर फैक्टर, यानी कि अदर कॉन्सेप्ट तो ऐड नहीं हो रहा कहीं यहां पर, या फिर कोई लीनियर मोशन तो ऐड नहीं कर दिया कहीं रोटेशन के साथ में, तो ऐसी कई सारी चीजें जो होती है, लिंकिंग कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो जब आप पढ़ते हो, अंडरस्टैंड करते हो, तो साथ में पैरेलल आपके ब्रेन में चलता रहना चाहिए। और आपने पेन चलाया तो पेन में जो यहां पर एक्सट्रैक्ट निकल के आया, आपका जो निचोड़ है, वो आपको क्वेश्चन सही करने में हेल्प करेगा। तो यहां पर ये करने के बाद में आपके क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा, अप्रोच एकदम करेक्ट लग गई, स्पीड से लग गई है ना, तो एक्यूरेसी आ गई और स्पीड भी आ गई, दोनों वेपन डेवलप हो रहे हैं। अब लास्ट में एक ऐसी चीज होती है जो दोनों वेपन को खत्म कर सकती है या उनको फिर चार चांद लगा सकती है, और वो है कैलकुलेशन स्पीड। स्टूडेंट्स, जिन स्टूडेंट की कैलकुलेशन स्पीड बहुत फास्ट होती है, कैलकुलेशन इज द आर्ट, ये डेवलप करनी पड़ती है, ये कला है, जो कैलकुलेशन बहुत फास्ट करता है, एक्यूरेसी से करता है, वही सेलेक्ट बहुत अच्छी रैंक से होते हैं। तो जब आप इसके अंदर ये दोनों करने के बाद, क्वेश्चन समझने के बाद, अंडरस्टैंड करने के बाद, जो आपको सही आंसर की तरफ ले जाने वाला जो फैक्टर खत्म हो गया, उसके बाद ये स्पीड से उस आंसर की तरफ भेजने वाला फैक्टर काम करेगा और आप आंसर को टिक करके निकल लोगे, OMR भर दोगे। तो इसका मतलब आपके उस नेचर का पेपर जो है, जो 2020 टाइप का जो नेचर होता है पेपर का, जो 2021 में भी आएगा ऐसा ही पेपर होगा, तो अभी तो ये दोनों वेपन काम करेंगे वहां पे,
और ये जब ऐसा नेचर होगा पेपर का, तो ये दो वेपन उसके ऊपर आप अप्लाई करोगे तो ऑटोमेटिक आपकी रैंक बूस्ट होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो करना क्या है, बस ये तीन चीजों को प्रैक्टिस करना है आपको। आप अभी कई स्टूडेंट्स पढ़ चुके हैं, मॉक टेस्ट दे रहे हैं, तो हमेशा मैं कहता हूं कि एक रैशनल पेपर लीजिए जिसके अंदर सारा डिस्ट्रीब्यूट अच्छे से हुआ हुआ होता है, क्वेश्चन एकदम पूरे सिलेबस जो होता है वो बहुत अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट किया होता है, क्वेश्चन टाइप जो होते हैं वो भी अच्छे से डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। ऐसे बहुत अच्छे क्वेश्चन का एक मॉक टेस्ट सेट आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, फॉल्स प्रैक्टिस कभी नहीं करनी चाहिए। जैसा नीट में पेपर आते हैं उसी तरीके का पेपर डिजाइनड हो तो उसी को प्रैक्टिस करना चाहिए। अब ऐसे पेपर्स या ऐसे क्वेश्चंस, अगर ऐसे आप क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप प्रेप ऑनलाइन ऐप के ऊपर आप यूनिट टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, फुल सिलेबस टेस्ट, पार्ट सिलेबस टेस्ट, ये आप दे सकते हो जहां पर रैशनल पेपर बने हुए हैं, और या फिर आपके मन जो इच्छा है वहां से आप आपके मॉक टेस्ट कर सकते हो। लेकिन करो कहीं से, ध्यान क्या रखना है, ये तीनों चीज उसके अंदर अप्लाई करते हुए चलना है, इसकी हैबिट बनानी है और इसको प्रैक्टिस करना है। और जब आपके पास में ये प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपके दो वेपन डेराइव हो जाएंगे, और नीट 2021 के अंदर जब आप अप्लाई करोगे तो आपको ऑटोमेटिक पता लगेगा कि यार ये तो मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था, ये रैंक कैसे आ गई मेरी। और ऐसा होता है स्टूडेंट, होता है, रियलिटी में होता है, ये हमारे स्टूडेंट के साथ में हो रखे हैं। तो चलिए इस वेपन को डेवलप करिए, पढ़िए बहुत अच्छे से। अगर आपको ऐसे ही अगर वीडियोस चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर आप चाहते हैं कि वीडियो मिस ना हो तो बेल आइकन प्रेस कर दो, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो, और अगर कुछ कहना है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला पड़ा हुआ है, बिल्कुल दिल खोल के लिखिए उसमें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, थैंक यू सो मच, बाय बाय।